लेकिन इसका जो आपको पूरा यहाँ से फोर्स लगाना पड़ता है, और जब आप कुछ बजाते हैं तो आपको यहाँ से उसको बजाना पड़ता है। जैसे कि गमक के कुछ पार्ट होते हैं, ये यहाँ से बजता है, ये सब आपके फेफड़ों में जब तक जान नहीं होगी ये सब नहीं निकलेगा। बहुत कई लोग पोलाइट बजाते हैं, लेकिन हमारा इन सब चीज़ का मेरा शिक्षा रही है मेरे गुरु पंडित नंदलाल जी से, तो ये सब हम कर पाते हैं इन सब चीज़ों में। देखिए सेकंड पिच का मैं शहनाई में आपको बता देता हूँ कि शहनाई का सेकंड पिच जब आप नीचे लेते हैं तो हमेशा लिप्स का बैलेंस हमें करना पड़ता है। हम मान लीजिए हम लोअर नोट्स में हमारा इतना लिप्स दबा हुआ है, तो उसको धीरे धीरे हमें पुश करना पड़ता है। लाइक आप देखेंगे, मैं क्लोजली दिखाता हूँ, पत्ते को थोड़ा अंदर करके उसको दबा के बजाना पड़ता है, तो उस और फोर्स भी उतना ही धीरे धीरे लगेगा जैसे। और नीचे का नोट जो आपको थोड़ा रीड बाहर निकाला, धीरे 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 वो अंदर, ये प्रैक्टिस का सब तरीका है, प्रैक्टिस से ही धीरे धीरे अंदर बाहर वो जाता है, उसी से हायर ऑक्टेव हमारा बजता है।